डिप्रेशन दुर्भाग्य से आजकल यंगस्टर्स में ये एक आम शिकायत का कारण बन गई है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों के लिए सहायक साबित हो सकते हैं। डिप्रेशन से निपटने में, उससे बेहतर तरीके से डील करने में बच्चे की मदद कर सकते हैं। और मोदी जी समझते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय से डील करने के लिए इस पर बातचीत शुरू करना सबसे आवश्यक है। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। मोदी जी मानते हैं कि हमारे देश के पारंपरिक मूल्यों से बच्चों को काफी मजबूती मिलती है और बच्चों को बिना सीटी का कुकर बनने से बचाना होगा। आइए जानें डिप्रेशन पर उनके विचार। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था और जॉइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लूँ तो वहां जाकर के एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। समय के साथ फैमिली सिस्टम में भी बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं इस बदलाव ने बच्चों का बड़ा नुकसान किया है। वहीं डिप्रेशन से डील करने के लिए पारिवारिक संस्कार विकसित करना सही तरीका हो सकता है, एक दूसरे से जुड़ने का एक सुखद और सार्थक तरीका। लेकिन उन बच्चों की मदद कैसे की जाए जो परिवार से दूर शिक्षा के लिए हॉस्टल में रह रहे हों? जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अगर उनके मन में किसी के प्रति गुस्सा हो या किसी घटना को लेकर आक्रोश हो, तो इससे भी डील करने के लिए एक छोटा सा लेकिन कारगर उपाय मोदी जी साझा करते हैं। लेकिन हॉस्टल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ, ये कर सकते हैं काम। हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना आपको रास्ता नहीं सूझता है, कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ पे नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे एक फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए। फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए, स्वच्छ भारत ये डालने वाला। फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, दोबारा लिखिए। पहले अगर आपने 8 पेज लिखा होगा, दोबारा लिखे हो तो 3-4 पेज में हो ही बात आ जाएगी। फिर भी उसको फाड़ दीजिए, टुकड़े जेब में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए, अब देखोगे तीसरी बार वही बात 1-1.5 पेज में आ जाएगी। भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्युटली रिलैक्स फील करेंगे। आपको यह भी डर नहीं रहेगा
कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को हम बात क्यों बताते नहीं है, डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखें उसको फाड़ दें, आप देख लेना घर में भी ऐसा वातावरण बिगड़ गया हो, मम्मी नाराज हो, चिकना हो, फलाना हो, और मान लीजिए आप रखते हैं, आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए आपके भीतर की सारी जो मानवीय जो विकृतियां हैं वो कागज के सहारे से बाहर निकल जाएगी। यही अल्टीमेट उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। है ना सुपर आइडिया, इससे आपके अंदर का गुस्सा भी निकल जाएगा और सच तो ये है कि ये रियलाइजेशन का भी पावरफुल आइडिया है। मोदी जी का मानना है कि जब हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तो नए सकारात्मक विचारों और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। हम परेशान करने वाली भावनाओं पर कई तरीकों से काबू पा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप अपनी परेशानियों और चिंताओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रखें। दूसरा, कोई एक अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमने ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उससे कभी मन की बातें बताया करें कि देखो यार इस बार तो माँ का फोन ही नहीं आया, चीज बड़ी नहीं होगी, उसके सामने कहो तो वो कहेगा, वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार माँ काम में होगी, हमें लगता है हमारी दवाई हो गई, हमारा उपचार हो गया, क्यों किसी ने कह दिया यार हाँ माँ काम में होगी, मेरा मन कहाँ चल रहा था दो घंटे से, देखो आज जन्मदिन है माँ का फोन नहीं आया, हो सकता है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है मोदी सरकार की बातें कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो। और हम गुस्सा माँ पे निकालते हो, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, तो वो एक छोटा सा वाला है, अरे नहीं चिंता मत करो चलो चलो खा लेते हैं, चलो यार हॉस्टल में चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं तेरा जन्मदिन माने नहीं, अरे चलो अपन जाते हैं मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं चॉकलेट खा लेते हैं। एकाध दोस्त तनावपूर्ण जिंदगी को भी बहुत हल्के फुल्के से ठीक कर लेता है। मैं समझता हूँ जीवन ऐसा खुलापन हो जाए, और मुझे तो मैं बहुत छोटी आयु से बाहर हूं तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा है, अलग उतार चढ़ाव से जिंदगी मेरी गुजरी है, और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यवहारू बातें उसने मुझे जीना सिखाया है, और मैं समझता हूं कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो सबको काम नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा सा ये प्रयास है। लेकिन डिप्रेशन को लाइट न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। मदद हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होती है। आप अपने पेरेंट्स, भरोसेमंद दोस्त और टीचर्स से मदद ले सकते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की भी सहायता ले सकते हैं जिसके साथ आप सहज महसूस करते हैं। पेशेवर मदद लेने से कभी भी संकोच ना करें। डिप्रेशन को लाइट में नहीं लेना है, आखिरकार एग्जाम वॉरियर्स तो उन्हीं बहादुर युवाओं को कहा जाएगा जो निश्चित रूप से डिप्रेशन से पार पाकर अपने प्रयासों में सफल होंगे।